आज मैं छत्तीसगढ़ी व्यंजन बफोरी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी होती है और कम समय में कम सामान में बन के तैयार हो जाती है, तो आइए बनाते हैं। जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ नंदा। अपने यूट्यूब चैनल नंदा की सीजी बस्तर रेसिपीज में आपका स्वागत करती हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बफोरी के लिए यहाँ पर देखिए, मैं चना दाल रात में ही भिगा के ले ली हूँ और ये अच्छे से भीग चुकी है, तो आपको जितना बनाना है उतना आप चना दाल ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, लहसुन 10 से 12 मैंने छील ली है, तो जितना आपको पसंद है डाल सकते हैं। अदरक भी मैं 1 इंची जितना काट ली हूँ। धनिया ले ली हूँ काट कर, 4 हरी मिर्ची भी काट कर ले ली हूँ। तो इन सब चीज़ों को अब बढ़िया से हमको पीस लेना है। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। तो बस अब इसे हम ढक्कन लगा करके पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए इतना गाढ़ा हमको पीस लेना है, ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। तो इस तरीके से देखिए, इसे फेंट लेंगे हम। जब फेंटते हैं ना तो अच्छा से फूलता है, तो ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा फेंट लेना है इसे। बफोरी नाश्ते में भी खाते हैं और इसकी सब्जी भी बनती है। यहाँ पर देखिए, स्वाद अनुसार यहाँ नमक डाल रही हूँ मैं, और थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच से भी कम हल्दी, और थोड़ी सी मैं मिर्ची डाल रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्ची भी पहले डाल चुकी हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा मिर्ची नहीं डालूँगी मैं। और यहाँ पर आप प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे पसंद नहीं करते मेरे, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तो बस अब ये इसे अच्छे से फेंट लिए हैं, और अब मैं इसे इडली साँचा में बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इडली साँचा ले ली हूँ, उसमें तेल लगा रही हूँ ताकि आसानी से निकले। तो बस ऐसे बना लेंगे। आप चाहे तो भाप में भी पका सकते हैं, किसी थाली वगैरह में भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से जल्दी बन जाती है इडली साँचे में, इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। तो बस सब में ऐसे इसका पेस्ट डाल दूँगी मैं और बना लूँगी। नाश्ते में बहुत ही अच्छा है ये खाने में, क्योंकि तेल भी ज़्यादा उपयोग नहीं होता इसमें, कम तेल में ही बन जाता है। तो देखिए, मैं इडली साँचा में इधर डाल दी हूँ, और बस अभी इसे मैं पकने दूँगी। तो बस ये पक रही है देखिए, और इसे मैं 10 मिनट के बाद खोल कर देखी, तो ये देखिए बढ़िया से ये बन चुका है। और यहाँ मेरे कैमरे में थोड़ा सा भाप चला गया है, इसलिए ये वीडियो चमकने लग गई है। तो यहाँ पर देखिए, ये बढ़िया से बन गया है। तो बस देखिए, सारे मैंने बना लिए हैं। अब तड़का लगा लेंगे इसे। तो तेल गरम हो गई थी, सरसों डाल दी, और तिल का इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो सफ़ेद तिल डाल रही हूँ 2 चम्मच जितना, और 2 सूखी मिर्ची भी डाल दी हूँ, और ये है मीठा नीम की पत्ती, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो सारी चीज़ें अच्छे से तड़क चुकी है, तो बफोरी जो बना के मैं रखी थी उसे भी डाल दी और ढक्कन लगा दी, ताकि जो खुशबू है बाहर ना उड़े, बस बफोरी में समा जाए सारी खुशबू। तो यहाँ पर देखिए, 5 मिनट के बाद मैं खोल के देख रही हूँ, कम आँच कर दी थी ना जले करके। तो देखिए, अच्छे से ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, एकदम अच्छे से। बस इतना ही फ्राई करना था हमको, तो एक दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा से गोल्डन कलर हो गया है। बस अब मैं चटनी तैयार करूँगी साथ में खाने के लिए। तो यहाँ पर मूंगफली ले ली हूँ थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैं नारियल ले ली हूँ, अदरक लहसुन ले ली हूँ थोड़ी सी, और यहाँ पर हरी मिर्ची और धनिया भी ले ली हूँ। तो नारियल और फली दानों को हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। तो तेल में फ्राई कर रही हूँ मैं, और छिलका यहाँ पर फली का नहीं निकाली हूँ मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बना रही हूँ इसीलिए, और तेल में फ्राई करने से अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए मैं यहाँ पर तेल में ही फ्राई कर रही हूँ। तो बस थोड़ा देर फ्राई कर लेंगे, जब इसका छिलका चटकने लगे और नारियल भी अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मिर्ची, अदरक और ये जो लहसुन है इसे भी डाल दूँगी। थोड़ा सा इसे मैं झारा चला लूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही देर इसे फ्राई करेंगे हम। तो देखिए, लगभग ये हो ही गई है, ज़्यादा देर तक नहीं करना है हमको, बस थोड़ा ही करना है। तो देखिए, ये हो गई है। तो ये देखिए, जो दुकानों में मिलता है ना फूटा चना, वही वाला चना है, जो थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं, एकदम थोड़ा सा डाली हूँ, इसे टेस्ट अच्छा आता है। इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर ली हूँ, एकदम थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, ये सारी चीज़ें ठंडी हो गई है, तो हम मिक्सी में डाल करके इसे पीस लेंगे। तो बस इसे डाल रही हूँ मैं, और मेरे पास दही नहीं थी तो मैं यहाँ पर नींबू का उपयोग की हूँ, और आपके पास दही होगा तो आप दही ज़रूर डालिए। तो यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, धनिया डाल दी, और ये देखिए नींबू निचोड़ कर डाल रही हूँ, ताकि इसका बीज ना गिरे, इसलिए हथेली ऐसे रख के मैं निचोड़ रही हूँ। तो बस अब थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, ताकि अच्छे से पीस जाए चटनी। तो देखिए, यहाँ पर चटनी भी तैयार है, तड़का लगाएंगे अब। तो यहाँ पर सरसों डाल दी मैं, और सरसों तड़कने के बाद सूखी मिर्ची डाल दी, और यहाँ पर देखिए मीठा नीम की पत्ती भी डाल दी,
तो बस अब तड़का लगा लेंगे। तो ये देखिए ये चटक गई है अच्छे से, तो बस अब ये चटनी को डाल करके हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई हो गई, देखिए चटनी भी तैयार है। आप टमाटर की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, चिरपोटी टमाटर जो छोटा टमाटर होता है चेरी टमाटर के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी व्यंजन बफोरी बिल्कुल तैयार है गर्मा गर्म खाने के लिए। यदि वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये टेस्टी बफोरी के बारे में बाकी लोग भी जान सके। तो जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक टेस्टी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।